हेलो। हाँ जी, रंजीत जी बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए जी। भैया नमस्कार, आप एकमास के साइड में आपका घर है ना शायद? हाँ बोलिए। मोनू सिंह कोई है आपके? हम उसको नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचानते हैं? खैले बनी रहुआ नहीं की खैले? भूख लागल बा? रात खैले बनी? रात में खैले बनी? कहाँ घर? होटल पर खैले। घर कहाँ है? घर हम चित्रौलिया चित्रौलिया के ने बा एकमा के लगे। काहे एंगतिया रहुआ भइल बनी? का कारण बा? घर में कोई नहीं खे? और भाई बहिन मतारी शादी भइल बा? हमार शादी नहीं खे। नहीं खे भइल? पढ़ले बनी? है कितना आई टी आई कैले बनी? ITI की IIT? ITI। घर ना नहीं खे जाए के? हमें इच्छा ही नहीं। इच्छा ही नहीं है? का है? घर का लोग मारता है पीटता है क्या? माँ है आपकी? बड़ भाई है। बड़ भाई है? माँ नहीं है? पिता नहीं है? पापा मर गए? मर गए दोनों आदमी? बड़ भाई है? बड़ भाई नहीं मानते हैं आपको? बड़ भाई आपको नहीं मानते हैं? नहीं मानते। क्यों नहीं है? तो फिर काहे नहीं जाइएगा घर? बोलिए ना, काहे नहीं जाइएगा घर? ऐसा अच्छा लगता है आपको रहना? ओ भैया बोलिए, आपको अच्छा लगता है ऐसा ऐसे एकदम घूमते रहना, एकदम पूरा शरीर में धूल मिट्टी, पूरा खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, कोई ऐसा अच्छा लगता है आपको? नहीं ऐसा हम क्या भी नहीं। अच्छा नहीं लगता है ना, तो काहे नहीं जाते हैं घर? घर भी जाने की इच्छा, घर भी जाने का इच्छा नहीं है? क्या कारण है? घर आपके भाई मानते भी हैं तो भी आप नहीं जाते हैं, तो फिर क्या कारण है? नाम क्या है आपका? मोनू। और पिताजी का? पिताजी मरेंगे। तो नाम क्या है पिताजी का? सुखाड़ी सिंह। क्या? सुखाड़ी सिंह। सुखाड़ी सिंह। और भाई का? बड़ भाई है जोन? सोनू। सोनू सिंह। सुनिए ना, को भाई हैं आप? को भाई हैं? को भाई हैं? दो भाई नहीं बेटा। दो भाई हैं? तो घर पे जाने में रहने में कोई परेशानी है? आप ITI किए हैं, इतना बढ़िया पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन भी किए होंगे, कर लिए हैं? सब कुछ कर, सब कुछ किए हैं। आए सुनिए ना, ठीक है, आपको अगर फिर से घर पे पहुंचाया जाए, आपका दिन दशा ठीक किया जाए, तो आप ठीक से नहीं रह पाइएगा? क्यों नहीं रह? तो फिर काहे नहीं आप कोशिश करते हैं कि आप घर पे जाइए, नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, अच्छा से फिर से गुजर बसर करने का शुरुआत कीजिए? क्यों ऐसा रहने के लिए मजबूर है? क्या कारण है? भाई मारता है? कौन, क्या कारण हो सकता है? प्यार वार में धोखा मिला है आपको, या पत्नी शादी हुआ था कि पत्नी छोड़ के भाग गई? क्या रीजन है बताइए। भैया बंद कर लीजिए। क्या रीजन है? घर में जाने से। क्या है घर में, क्या तकलीफ है बताइए, उसका समाधान किया जाए तो नहीं रहिएगा? हम बाबा बन गए। बाबा बन गए हैं? तो बाबा ऐसे थोड़े होते हैं लोग। बाबा लोग जो होते हैं वो साफ सुथरा रहते हैं, मंदिर वंदिर में मठ वठ में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? आप तो एक पढ़े लिखे इंसान है ना जी, बताइए, है ना? पढ़े लिखे इंसान है ना? तो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन फाइनल है आपका, ITI भी किए हुए हैं, आप कुछ बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा सकते हैं? सब कुछ आपको बढ़िया
बढ़िया तरीके से रहना चाहिए। आप एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति होकर के इस प्रकार से आप घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, एकदम लावारिस अवस्था में। कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका ना कोई ठिकाना है, ना घर है, ना द्वार है, एकदम क्यों? कोशिश कीजिएगा अच्छा से रहने का, पहुंचाया जाए घर आपके। जरूर, अब लेकर खिला दीजिए। बिल्कुल खिलाएंगे आपको, एकदम खिलाएंगे, और भी बहुत सारा मदद करेंगे हम आपकी, ठीक है? लेकिन आप सही से रहने का कोशिश कीजिएगा तब ना। तो हम नहीं कर रहे हैं। हाँ तो आप जाइएगा ना घर पे अपने। मोबाइल नंबर है आपके भाई साहब का? जी बोलिए, नंबर बोलिए, हम फोन कर रहे हैं। 94312 65512 94312 65512। सोनू जी नाम है आपके भाई का? नहीं, उनका नाम है, किनका नंबर है? ये रंजीत का है। रंजीत का है, क्या लगते हैं वो? क्या लगते हैं भैया, क्या लगते हैं? नहीं, इनसे बात करना चाहते हैं। रंजीत आपके कौन लगते हैं? भतीजा है? भाई है, भतीजा है, क्या है? मित्र है। हेलो। हेलो। हाँ जी, रंजीत जी बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए जी। भैया नमस्कार, आप एकमास के साइड में आपका घर है ना शायद? हाँ बोलिए। मोनू सिंह कोई है आपके? हम उसको नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचानते हैं? कहीं कुछ चुराया होगा, चाहे कुछ किया होगा, इसलिए कहीं वो कर। इनका अवस्था जो भी है ये देख रहे हैं, एकदम पूरा एकदम भुचाट खानी, एकदम घूम के रह रहे हैं, एकदम लग रहा है कि कोई नाम सुनते सुनते काट दिए। मैंने लोग मदद करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है क्या? और भी कोई नंबर है आपका, आपके भाई का? नहीं है। रंजीत कौन है आपके? गांव का नंबर। चलिए हम आपको खाना खिला दे रहे हैं, समझे? और हम कोशिश करेंगे कि आप अपने घर जाइए और साफ सुथरा से रहिए, और घर पे जाके अच्छा से रह के अपना काम धाम कीजिए। सही करें कि नहीं करें? आ ना तो कोनो मंदिर में रहना है तो मंदिरे में कोनो मोठ उठ पे रखवा देंगे, ठीक है? लेकिन डेली एक्टिविटी जो आपका है, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपका जो डेली एक्टिविटी है वो सही होना चाहिए। सही करें कि नहीं करें? कपड़ा लत्ता का भी आपको व्यवस्था करवा देंगे, आपके लिए नहाने धोने हर चीज़ का प्रबंध करवा देंगे, लेकिन आप सही से रहिएगा तब। पढ़े लिखे इंसान है, समझदार है, समझ सकते हैं इस सब चीज़ को। सही करें कि नहीं करें भैया? बाद में बात कीजिएगा। चलिए हम आपको पहले खिला देते हैं, ठीक है? चलिए उठिए।